हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये होगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है वेदर द फंक्शन इज वन वन और मैनी वन। क्या लिखा है हमारा, वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, और फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लिखा है साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइड बाय टू। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, तुम लोग एक बार उससे ट्राई करो, मैं इसका सोल्यूशन इधर बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं डोमेन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डोमेन के लिए मैंने बोला कि अगर डोमेन की बात करें तो जैसे मैंने तुम्हें बताया है, डोमेन में क्या करते हैं हम, अगर हमारा कंपोजिट फंक्शन दिया होता है, दिस इज नथिंग बट अ कंपोजिट फंक्शन, जिसमें मेरा बाहर वाला फंक्शन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अंदर क्या है मेरा, साइन इनवर्स एक्स। तो जो बाहर वाला फंक्शन है उसको पहले हम उसकी तरफ जाते हैं। हमने बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट को कहीं कोई दिक्कत आती है, तो हमने बोला नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ऑलवेज डिफाइंड। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेन इज आर। अब हम अंदर मूव करें, अंदर देखा साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को कोई दिक्कत, हाँ, साइन इनवर्स एक्स का जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज एक्स, दैट शुड लाई बिटवीन माइनस वन टू वन। तो मैं क्या बोलूंगा, ये डोमेन हमारा क्या हो गया फिर, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस वन से वन। तो समझ में आया बच्चों? अब क्या करें हम, इस इंटरवल के लिए हम जो भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में लिखा है, अंदर लिखा है, उसका रेंज निकाल लेते हैं। क्या करेंगे हम, इसका रेंज निकाल लेते हैं। देखना क्या किया हमने, तो देखो माइनस वन से वन जब आर्ग्यूमेंट वेरी करेगा तो मेरा साइन इनवर्स एक्स जो है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, साइन इनवर्स एक्स जो है वो उसका रेंज क्या होगा, फॉर माइनस वन टू वन इट इज माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू। एक्चुअली मैं इसको ग्राफिकली सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू। अच्छा, बट अंदर क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो मैं क्या करा, साइन इनवर्स एक्स के से मल्टीप्लाई किया, अगर के इज हाफ तो टू से डिवाइड, तो ये हमारा इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बाय फोर से फाइव बाय फोर। क्लियर है बच्चों? अब मैं क्या करता हूं, ये क्या जा रहा है मेरा, दिस इज गोइंग एज इनपुट टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना लेता हूं फॉर दिस वैल्यूज ऑफ डोमेन। मैंने क्या किया, अब मैं ग्राफ किसका बना रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फॉर दिस इनपुट, बिकॉज ये इनपुट जा रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को। तो मैंने बनाया इसका ग्राफ, तो ये है मेरा, थोड़ा सा और वर्टिकल स्लोप 45 होगा, सो दिस लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस विल बी वन, दिस इज जीरो एंड दिस विल बी एट सेम लेवल, दिस इज वन, अगेन हियर इट इज ऑलो एंड दिस इज माइनस वन। ठीक है, मैं उतना ही ग्राफ बना रहा हूँ फॉर दिस इंटरवल, ठीक है ना, बाकी इट इज रिपीटिंग, इट इज पीरियडिक विद पीरियड वन, बट मेरे को पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। अब सुनना, अब मैंने बोला एक्स गोज फ्रॉम फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इसमें जो इनपुट है वो मेरा क्या जा रहा है, माइनस फाइव बाय फोर से फाइव बाय फोर। तो फाइव बाय फोर मतलब वन के आसपास होगा, बिकॉज फाइव बाय फोर इज थ्री पॉइंट सॉरी पॉइंट सेवन समथिंग, ठीक है ना, थ्री पॉइंट समथिंग अपॉन फोर क्या हो जाएगा, पॉइंट सेवन समथिंग। तो इट विल बी हियर, सो दिस इज पाई बाय फोर, इस पे मेरा आउटपुट क्या आएगा, ये आउटपुट आएगा। और ये एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, ये लाइन मुझे पता है, दिस इज वाई इक्वल टू एक्स, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर कॉमा पाई बाय फोर। सिमिलरली माइनस पाई बाय फोर कहाँ लाई करेगा, माइनस वन के पास में, सो इट इज समवेयर हियर माइनस पाई बाय फोर। ठीक है, तो मेरा आया आउटपुट ये आएगा, और ये आउटपुट होगा क्या, कोई बता सकता है, पहले वीडियो पॉज करो, क्या सोचो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मेरा क्वेश्चन है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो उसके लिए मुझे इसकी लाइन की इक्वेशन पता होना चाहिए, और मैंने बताया था तुम्हें, तुम्हें एटलीस्ट शुरू की दो तीन लाइन एकदम टिप्स पे होना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में। तो दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, दैट यू कैन ड्राइव ऑल्सो, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव स्लोप, इट इज पासिंग थ्रू माइनस वन कॉमा जीरो, देन यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो अब मैंने ये वाला कोऑर्डिनेट निकाल लिया, लेट्स से इस पॉइंट के, तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो माइनस फाइव बाई फोर है, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करूं, इस माइनस पाई बाय फोर को इसकी डेफिनेशन में रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस पाई बाय फोर। तो इस इंटरवल ऑफ x के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आउटपुट क्या देगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, देखो मैं ग्राफ बना देता हूं, देखना इतना पार्ट मैंने रब कर दिया और ये पार्ट रब कर दिया, दिस इज माई रिक्वायर्ड ग्राफ। देखना मैं शेड कर रहा हूं एक बार और दोबारा, दिस पार्ट इज एक्चुअल ग्राफ ऑफ दिस fx। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो ये क्या है मेरा, वन माइनस पाई बाय फोर है ये वैल्यू, ये छोटी होगी, पाई बाय फोर ज्यादा होगी तो ऊपर आ रही है, मैटर करता है ये भी, मैटर करेगा, देखो इसको लोकेट नहीं करना, अगर तुमने ये पाई बाय फोर को अगर छोटा कर दिया एज कम्पेयर टू वन माइनस पाई बाय फोर, तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, पाई बाय फोर जो है दैट इज एक्चुअली ग्रेटर देन वन माइनस पाई बाय फोर, तो इसलिए मैंने वन माइनस पाई बाय फोर जो है आउटपुट ये नीचे आया है एज कंपेयर टू दिस पाई बाय फोर। क्लियर है, नाउ यू कैन सी कि वन वन है या मैनी वन है, ऑफ कोर्स वन वन है, क्यों, क्योंकि हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है,
There are infinite horizontal lines actually. This is one of the horizontal line that cuts the graph at two points. एक तो ये point पे कट कर रहा है, एक ये point पे. Hence the function is manifold. Clear है बच्चों? अच्छा, तो अब इसी के basis पे हम थोड़ा सा change कर रहा हूँ इस question में. क्या कर रहा हूँ? देखना ध्यान से. इधर ही लिख लेते हैं हम. मैंने बोला instead of that two in the denominator, मैं उसको थोड़ा value बढ़ा रहा हूँ. तो मैंने लिखा this is your second question, same category हो गया. तुम लोगों को एक बार खुद से try करना है. मैंने लिखा sin inverse x upon let's say 50. You just pause the video and do on your own. मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ. तो जैसा कि हमने इधर निकाला, सबसे पहले हम रेंज निकाल लेते हैं अंदर वाले फंक्शन की. तो अंदर वाला फंक्शन sin inverse x क्या है? पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2. तो ये पूरा किधर से किधर होगा? माइनस पाई बाय 100 से पाई बाय 100. ये इनपुट जाएगा किसको? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बना लेते फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x. फिर देख लेंगे कि वो अनवन है या मैनी वन है. तो चलो बनाते हैं. तो मैंने बनाया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ फॉर दिस इंटरवल. तो देखना ध्यान से बच्चों, ये हो गया मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ. सॉरी, ये होगा हमारा ऐसा. दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज -1. नाउ यू कैन सी कि माइनस पाई बाय 100 है, बहुत छोटा नंबर है. मतलब माइनस पाई को अगर मान लो 3 बोलूं, एक मिनट, 3 अपॉन 100 तो बहुत छोटा होगा, मतलब 0 के पास में होगा. सो इट विल बी समवेयर हियर. दिस इज एक्चुअली माइनस पाई बाय 100. और जो पाई बाय 100 होगा वो इधर होगा, 0 के राइट में होगा. इट इज पाई बाय 100. अब देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैंने बोला इस माइनस पाई बाय 100 पे आउटपुट क्या आएगा मेरा? दैट विल बी, आई हैव टू यूज दिस डेफिनेशन जैसे मैंने इधर किया था, 1x + 1. तो 1 प्लस x करूंगा तो 1 माइनस पाई बाय 100. तो इट द वैल्यू विल बी दिस वन. ये वाला वैल्यू आया. इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? माइनस पाई बाय 100 से 1 माइनस पाई बाय 100. सिमिलरली ये इनपुट है तो इस पे आउटपुट क्या आएगा मेरा? दिस इज y इक्वल टू x ओनली. दिस इज y इक्वल टू x. तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पाई बाय 100 कॉमा पाई बाय 100, ये वाला पॉइंट. तो ग्राफ अब देखना, मैं बना रहा हूं कितना इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए मेरा इसका ग्राफ क्या होगा. देखना ध्यान से, ये मैं रब कर रहा हूं और मैं इधर रब कर रहा हूं. इतना ही ग्राफ होगा जो मैं अब शेड कर रहा हूं. देखना ध्यान से बच्चों, फॉर माइनस पाई बाय 100 से पाई बाय 100, दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ ग्राफ. नाउ टेल मी, इज इट 1 1 और मैनी वन? इट इज 1 1. क्यों? बिकॉज अब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी नहीं. देखो, या तो कट नहीं करेगी, कट करेगी तो मैक्सिमम एक जगह कट करेगी. हैज दिस फंक्शन इज, दिस फंक्शन इज 1 1. क्लियर है बच्चों? चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. देखो इसमें एक और स्मार्ट तरीका, एक और क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, चलो उसको लिख ही देता हूं. एक काम करता हूं, तो पहले इसको तुम लोग कॉपी कर लो, मैं रब कर रहा हूं. मैं क्या कर रहा हूं, इस 2 की जगह अब वेरिएबल ले लेता हूं. कैसे लिया मैंने क्वेश्चन, देखना ध्यान से. मैंने बोला कि इंस्टेड ऑफ दिस आई विल टेक लेट्स से k, और मैं क्वेश्चन देखना क्या लिख रहा हूं, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन इज 1 1, सो दैट फंक्शन इज 1 1. वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो मुझसे, ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मेंस के लिए, तो मेंस के ऊपर का लेवल का क्वेश्चन है अगर ऐसा आता है तो. इससे पहले जो मैंने लिखा था वो थोड़ा बोल सकता हूँ मेंस लेवल का, बट दिस इज अबव मेंस, मतलब एडवांस के लिए इट इज एलिजिबल. अब सुनना, अब क्या किया हमने, सेम चीज मैं इसका सॉल्यूशन दिखता हूं. मैंने सबसे पहले क्या किया था, डोमेन निकाला था. डोमेन तो दिख रहा है वही होगा माइनस 1 to 1. उस माइनस 1 से 1 के लिए x, इफ x x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस? मैंने जो ब्लैक सर्कल के अंदर लिखा है इसका रेंज क्या होगा देखना. साइन इनवर्स x का, चलो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x का रेंज इज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2. तो साइन इनवर्स x होल डिवाइड बाय k, इसका रेंज क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाय 2k से पाई बाय 2k. क्लियर है बच्चों? अब ये मेरा क्या जा रहा है, इनपुट जा रहा है किसको? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को. अब सुनना, पहले एक काम करते हैं, इसको समझते हैं ऐसा क्वेश्चन क्या बना बेस्ड ऑन द प्रीवियस टू क्वेश्चन. देखो पहले क्वेश्चन था हमारा, देखो इधर ध्यान से देखो, साइन इनवर्स x बाय 2 फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है. फिर हम मूव करें साइन इनवर्स x डिवाइड बाय 50. तो मेरा ये क्या आ रहा था 1 1, और ये क्या था मेरा मैनी 1. तो सुनो, मैंने बोला कि
देखो इसने क्या बोला, मिनिमम वैल्यू के की। तो देखो मैंने के को बढ़ाता गया, टू से बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये वन वन स्टार्ट हो जाएगा। या फिर उल्टा बोल लो, ये 50 को मैं डिक्रीज करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, टू पे तो मैनी वन है, उससे पहले एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट आएगा जब ये वन वन होगा, जहां वो डेफिनेशन चेंज करेगा, मतलब वन वन से मैनी वन पे जंप करेगा। तो वो वैल्यू ऑफ के निकालना है मुझे, क्लियर है बच्चों? चलो तो अब मैं क्या करूं इसके लिए, मतलब इनपुट ये है मेरा, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के अंदर, वो मैं ग्राफ इस तरीके से बनाता हूँ सो दैट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको मैक्सिमम एक जगह कट करे, तो मेरा वन वन मेंटेन रहेगा। तो देखना एक काम करते, इसको थोड़ा नीचे करता हूं मैं, जस्ट लुक एट हियर, देखो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। मैंने बोला ये मेरा वन हो गया, आउटपुट इज वन, और ये मेरा हॉलो सर्कल, ये हो गया मेरा ये डेड डैश लाइन है, ठीक है ना, दिस इज माइनस वन, दिस इज जीरो। अब सुनना ध्यान से, माइनस प्लस पाई बाय टू के, तो मेरा लेट से यहां कहीं आ रहा है पाई बाय टू के, और माइनस पाई बाय टू के मेरा यहां आएगा फॉर के समथिंग। अब देखो क्या हो रहा है बेसिकली, जब k उसने बोला मिनिमम वैल्यू, देखो मैंने k की बहुत बड़ी वैल्यू ले ली ना, तो क्या होगा ये पाई बाय टू के और जीरो के नजदीक आएगा। देखो क्या हो रहा है बेसिकली, हो क्या रहा है कि ये वाला जो ब्रांच है ना कर्व की, वो ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, जैसे जैसे मैं के को बढ़ा रहा हूं, और ये वाली ब्रांच ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। के क्या बोला दोबारा एक बार, मैंने बोला के जैसे फॉर एग्जांपल के इधर टू था, चलो पाई बाय 50 वाला लेते हैं, मैंने कहा 50 है बहुत बड़ा नंबर है, तो 50 पे क्या हो रहा है, ये छोटा सा पार्ट आया था अभी हमने देखा था, तो जैसे मैं 50 को बढ़ाऊंगा तो ये चीज बढ़ेगी, घटाऊंगा सॉरी, 50 को घटाऊंगा 40 पे लाया, तो ये चीज ओवरऑल क्या होगी, बढ़ेगी। के अगर घटाता हूं तो ये फ्रैक्शन के तो डिनोमिनेटर पे लिखा है तो ये बढ़ेगा, तो ये एक्स इस साइड मूव करेगा, तो ग्राफ ग्राफ की ब्रांच ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये नीचे की तरफ आएगी। तो मुझे एक ऐसा वक्त कब होगा जब मेरा ये ऐसा सिनेरियो हो, जब ये वाला घिसते घिसते यहां आ जाए, मतलब ये वाली वैल्यू और इस पे ये वाली वैल्यू मिल जाए, तब मेरा काम चल जाएगा। तब क्या होगा, मेरा ग्राफ कितना आएगा देखना ध्यान से, ये वाला रीजन देखो मैं शेड कर रहा हूं, दिस रीजन एंड दिस रीजन, और मेरा ग्राफ ये मिट जाएगा। ये चेंजिंग पोजीशन होगी, एट प्रेजेंट तो ये मैनी वन है, लेकिन हम क्या करेंगे इससे के जस्ट छोटा लेंगे, क्या लेंगे इससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे सॉरी के, तो अभी तो मुझे ऐसा सिनेरियो चाहिए, इधर भी हॉलो और इधर भी हॉलो, सो दैट हॉरिजॉन्टल लाइन कट करेगी नहीं। देखो मैंने अगर इधर फील्ड लगाया और इधर भी फील्ड लगाया तो क्या होगा, मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट कर देगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन केवल, दैट इज जो भी है इक्वेशन, दिस इज वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, बट मुझे चाहिए कि वो वन वन मेंटेन रहे, वन वन मेंटेन रहे, इसका मतलब ये वाली जो ब्रांच है वो इसके जस्ट पहले आके खत्म हो जाए, और ये वाली जो ब्रांच है वो इस पॉइंट के जस्ट पहले आके खत्म हो जाए, तो इधर हॉलो आ जाए, कहने का मतलब इधर भी हॉलो आ जाए और इधर भी हॉलो आ जाए। तो कब होगा, जब एक्स इक्वल टू पाई बाय टू के पे जो वैल्यू मिल रही है इस डेफिनेशन से, जो आंसर मिल रहा है y का, वही इस ब्रांच से मिले। तो मैंने बोला इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट पाई बाय टू के कॉमा दिस इज लाइन y इक्वल टू x, तो क्या होगा पाई बाय टू के, और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, माइनस पाई बाय टू के से, अब दिस इज y इक्वल टू x प्लस वन, तो x इज वेयर इज दिस, तो 1 प्लस x, मतलब 1 प्लस x मतलब 1 माइनस पाई बाय 2k। अब मेरा कंडीशन क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाए पाई बाय 2k, इन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम हो जाए, तो मैंने लिखा 1 माइनस, इधर लिख रहा हूं मैं 1 माइनस पाई बाय 2k शुड बी इक्वल्स टू पाई बाय 2k, तो इधर से आया पाई बाय 2k और इधर ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू आया पाई, कम से कम मुझे पाई रखना पड़ेगा, पाई से अगर मैंने मिनिमम वैल्यू बोला है ना, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ के, अगर मैंने के की वैल्यू पाई आ रही है मेरी, एक मिनट रुको जस्ट होल्ड ऑन, पाई आ रही है, अगर मेरी के की वैल्यू पाई आ रही है, देखो के की वैल्यू मैं बढ़ाते जा रहा हूं, जैसे टू से टू पे 50 पे टू पे क्या था मैनी वन, मैंने बोला इस टू को मैं बढ़ाता जा रहा हूं बढ़ाता जा रहा हूं बढ़ाता जा रहा हूं, तो क्या होगा फंक्शन वन वन की तरफ मूव करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कब, जब k इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, जब k इज इक्वल टू पाई हो जाएगा उसके बाद तुम बढ़ाओगे, एक मिनट रुको कुछ गड़बड़ हो रहा है, जस्ट अ सेकंड जस्ट होल्ड ऑन, अगर मैंने k का वैल्यू पाई माइनस पाई बाय टू के, ये पाई बाय टू के हो गया, ये दोनों पे वैल्यू k इज इक्वल टू पाई पे मिल रही है, तो k इज इक्वल टू पाई इज द मिनिमम वैल्यू, एक मिनट
पाई इज इक्वल टू के इज इक्वल टू पाई, अगर मैंने मैक्सिमम बोला के मस्ट बी ग्रेटर देन, हाँ करेक्ट है, के मस्ट बी क्या आएगा हमारा आंसर शुड बी के मस्ट बी ग्रेटर देन पाई। क्यों? क्योंकि पाई से अगर छोटी लोगे, टू छोटा है ना, तो देखो मैं नहीं बना रहा है, तो एक सिनेरियो क्या आएगा जब मैं बढ़ाता जाऊंगा पाई पे क्रिटिकल पोजीशन आ जाएगी, तो हमारा क्या होगा के शुड बी ग्रेटर देन पाई। एग्जैक्ट पाई पे भी क्या होगा मेरा दो वैल्यू आ जाएंगी फंक्शन की, ये और ये, तो फंक्शन मैनिवन हो जाएगा, hence answer must be k greater than pi। अब pi से बड़ा कुछ भी ले लो, for example मैंने 50 लिया, तो 50 पे क्या आया मेरा 1, 100 ले लो, pi plus 1 ले लो, कुछ भी ले लो, k अगर pi से बड़ा होगा, तब मेरा जो फंक्शन है, that will be 1, 1, क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछो व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, ठीक है चलो फिर अब मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, इसके बेसिस पे 1, 1, many one के बेसिस पे, तो तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। देखना एक क्वेश्चन लेते हैं, अब एक पीएनसी से रिलेटेड लेते हैं, मैंने बोला अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू लेट्स से 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 6, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 1, 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 1, 1 फंक्शन। तो वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, ज्यादा सीखोगे, ठीक है ना, एज कंपेयर टू सीइंग द सॉल्यूशन। मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूं, तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं, दिस इज माई सेट ए, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, तो लेट्स से ए 1, ए 2, ए 3, ए 4, ठीक है, और ये मेरा हो गया सेट बी विच कंटेन्स 6 एलिमेंट्स, तो बी 1, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5 और एक और बी 6 बचा है। अब मैंने बोला कि मुझे 1, 1 फंक्शन बनाना है, ठीक है, देखो फंक्शन बनाने के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि चारों एलिमेंट्स की इमेजेस एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब चारों की एक एक इमेज होना चाहिए, तो मैंने लेट्स से A1 को B1 पे मैप किया। अब सुनना मुझे क्या बनाना है, 1, 1 बनाना है, 1, 1 बनाना है, तो 1, 1 बनाने के लिए अगर मैंने A1 को B1 पे मैप किया, कैन आई मैप A2 विद B1, नहीं, 4 वो मैनी 1 हो जाएगा, 2x के लिए सेम y मिलेगा, तो डेफिनेटली A2 को मुझे इन पांचों एलिमेंट में से किसी को एक देना पड़ेगा, लास्ट फिर A3 को अगेन मुझे B1 और B2 छोड़ के किसी को मैप करना पड़ेगा, लेट से B3 को किया, A4 को मैं क्या करूंगा 1, 1 बनाने के लिए इन तीनों में से किसी एक पे मैप, तो दिस इज अ सिनेरियो, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल काउंट, ये एक काउंट है, ठीक है, तो हो क्या रहा है बेसिकली तुम्हारा, जब तुम 1, 1 फंक्शन बनाओगे तो इधर दो एलिमेंट छूट रहे हैं, पहली बात तो ठीक है, इधर छूट रहे हैं, उसका हमें 1, 1 मैनी 1 से कोई रिलेशन नहीं, वो तो ऑन टू वाला होता है कि ऑन टू के लिए सारे मतलब फोर डोमेन रेंज के बराबर होना है, होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे पीएनसी से रिलेटेड, बट अभी के लिए मुझे 1, 1 निकालना है, तो 1, 1 के लिए क्या है कि जो भी एलिमेंट है रेंज का उसकी एक प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है, तो मैंने स्टार्ट कैसे किया, A1 सपोज B1 पे मैप है, तो डेफिनेटली A2 जो है वो B1 पे मैप नहीं कर पाएगा, उसके लिए नंबर ऑफ लेफ्ट पोजिशन कितनी होंगी 5, 1, 2, 3, 4, 5, लेट से वो B2 पे मैप हो गया, फिर तीसरा एलिमेंट आया A3, वो कहां मैप होगा, सिर्फ B1 B2 को छोड़ के कहीं भी मैप होगा, तो अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, देखना डिस्ट्रीब्यूशन में, कैसे, दो तरीके से समझ सकते हैं इसको, देखो एक तरीका तो क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, और एक है हमारा पीएनसी से प्रॉपर, कैसे, देखो मैंने क्या बोला कि मेरे पास ऐसा समझ लो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 लोगों को बांटना है, तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम है मेरे, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मुझे r लोगों में बांटना है, बट और ईच वन शुड गेट एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट, या तो मिले तो एक मिले, नहीं तो कुछ ना मिले, ऐसे जब याद रखना पीएनसी, तो नोट्स देखना पीएनसी के, तो थर्ड केस था मेरे हिसाब से, थर्ड केस था जो मैंने ये वाला जो इधर हमारा केस लग रहा है, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेस देन नंबर ऑफ पर्संस, और मुझे क्या करना है इन ऑब्जेक्ट्स को इन 6 लोगों में बांटना है, मैक्सिमम 1 ऑब्जेक्ट देना है एक पर्सन को, लिख लो मैक्सिमम, लिख लो तुम लोग, हर एक पर्सन को एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, देखो एक 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है जो मैंने बोला प्रोबेबिलिटी और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दोबारा एक बार क्या बोला मैंने, ये 4 ऑब्जेक्ट्स मुझे 6 लोगों में बांटना है सच दैट
ईच पर्सन शुड गेट मैक्सिमम वन ऑब्जेक्ट. तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, चार लोगों को मिल रहा होगा चार ऑब्जेक्ट, दो छूट रहे होंगे. तो इसको मैंने कैसे बताया था, कितने लोगों को मुझे देना है चार, पहले जिन चार को देना है छह पर्सन में, तो उनको सिलेक्ट किया. तो सिक्स सी फोर, दिस इज व्हाट पर्सन सिलेक्शन, जिन लोगों को मुझे एक एक ऑब्जेक्ट देना है. अब मेरे हाथ में क्या आ गया, चार पर्सन आ गए, लेट्स से बी वन बी टू बी थ्री बी फोर. अब इन चार पर्सन को मुझे चार ऑब्जेक्ट देना है, सच दैट ईच गेट एग्जैक्टली वंस. तो चार ऑब्जेक्ट चार लोगों में, हर एक को एक एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए. तो आंसर सिंपली इट इज फोर फैक्टोरियल. दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने उधर बताया था, पांच ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट्स है, एन लोगों में बांटना है, ईच गेट एग्जैक्टली वंस. तो क्या होता है, एन फैक्टोरियल होता है, तो ये मिला. सो दिस इज माई आंसर. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल और इंटू फोर फैक्टोरियल. ये क्या कैंसिल हुआ, 720 डिवाइड बाय टू 360. सो दिस इज माई आंसर. या फिर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कैसे बोल सकते थे, देखना मैंने बोला ए वन के पास कितने ऑप्शन है, छह ऑप्शन है. तो लेट से बी वन में मैप हो गया, फिर ए टू को उठाया, ए टू के पास कितने ऑप्शन है, छह नहीं है पांच है. फिर ए थ्री के पास चार, बिकॉज उनको तो ऑलरेडी मिल चुका है. ए फोर के पास तीन. सो यू कैन वेरीफाई दिस इज इक्वल टू दिस ओनली. क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा पीएनसीसी का अच्छा क्वेश्चन हो गया इसके बेसिस पे. यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन मेंस. चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. पीएनसी से रिलेटेड हम इनटू ऑनटू के भी एग्जांपल्स दूंगा मैं, ठीक है, बाद में. चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखना, मैंने लिखा, लिख ले तो लिख लो, पहले एग्जांपल लिख लो. लेट एफ डिफाइन फ्रॉम, लेट एफ कोलन डिफाइन फ्रॉम अल्फा कॉमा इंफिनिटी टू सेवन कॉमा इंफिनिटी, ठीक है, उसने डिफाइन कर रखा है, दिस इज डोमेन सेट, दिस इज कोडोमेन सेट. देन वेयर एफ एक्स इज, और एफ एक्स की डेफिनेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू. फाइंड अल्फा एफ एफ एक्स इज वन वन फंक्शन. क्या बोला उसने, फाइंड एफ एक्स, फाइंड अल्फा, ये अल्फा निकालना है मुझे, लिख लो इधर. चलो फाइंड, फाइंड अल्फा इफ एफ एक्स इज वन वन. देखो इन जनरल तो मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक जो होता है वो मैन इवन होता है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है. बट मैंने ये भी बोला था साथ ही साथ कि अगर हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो हम उसको वन वन बना सकते हैं. तो वही सिनेरियो इधर हो रहा है. तो क्या करते हैं, पहले तो हम इसका कंप्लीट ग्राफ बना लेते हैं पैराबोला का. तो इस पैराबोला का कंप्लीट ग्राफ, इसके रूट्स पहले देख लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू, चलो ठीक है. तो इसके रूट्स होंगे फोर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिक्सटीन माइनस एट, फोर टू द एट डिवाइड बाई टू. तो फोर प्लस माइनस रूट सिक्सटीन रूट एट, टू रूट टू बाई टू, टू रूट टू बाई टू. तो आया टू प्लस माइनस रूट टू. तो दोनों रूट ही पॉजिटिव है, तो रियल है, तो ऐसा कुछ तो सिनेरियो हो रहा होगा. चलो इसकी ये वाली वैल्यू देख लेते हैं हम, सुनना, इसकी मिनिमम वैल्यू और देख लेते हैं, जरूरत पड़ी तो देख लेंगे यूज होगी हमारी. वो कहाँ आएगी, वर्टेक्स पे आएगी. वर्टेक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू टू माइनस बी बाई टू है. तो टू पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, टू टू सा फोर, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स माइनस एट इज माइनस टू. तो माइनस टू और वर्टेक्स इज टू. तो ये हो गया टू कॉमा टू माइनस टू, सॉरी टू कॉमा माइनस टू. अब सुनना, अब उसने क्या बोला, अब देखो, अब हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, इस सेवन पे पहली बात, ठीक है. मैंने एक क्या किया, इसने क्या बोला है, ये सेवन क्या है, पार्ट ऑफ कोडोमेन. अच्छा, तो मैंने क्या किया, वाई इज इक्वल टू सेवन, और इसको सॉल्व किया. क्यों कर रहा हूं ऐसा बता रहा हूं, दो मिनट. मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू. मैंने बोला ये देख लेते हैं हम, ये जो वैल्यू है सेवन वो किस एक्स पे आ रही है. तो मैंने पैराबोला और सेवन को इक्वेट किया. तो यहां से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो. तो इसके रूट्स आ गए हमारे, एक तो फाइव और एक माइनस वन, देख लो तुम, सम ऑफ रूट इज फोर, प्रोडक्ट इज माइनस फाइव. तो हो कैसा रहा होगा वो सिनेरियो, ऐसा हो रहा होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और एक्स इज इक्वल टू फाइव. दिस इज एक्स इज इक्वल टू फाइव एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. अब सुनना ध्यान से, अब मेन क्रिटिक, अब मेन डिस्कशन होगा वन वन मैनी वन का. अब सुनो, मैंने बोला कि अगर मैंने अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू अगर फाइव से छोटी ले ली तो क्या होगा, फाइव से छोटी ले ली, लेट से मैंने ये कहीं तो ये ली, तो मेरा ये यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ. तो इस अगर मैंने अल्फा की वैल्यू ये ली तो ग्राफ मेरा यहां से स्टार्ट होगा. तो इस पार्ट के लिए रेंज क्या हो जाएगा, मेरा यहां से स्टार्ट होगा, ये तो सेवन है.
तो देख रहे हो अगर मैंने अल्फा 5 से छोटा लिया तो क्या हो रहा है, रेंज कोडोमेन से बड़ा आ रहा है, 7 से ये छोटा है ना, यहाँ यहाँ नंबर है तो ये रेंज आ रहा है, तो रेंज क्या हो रहा है कोडोमेन से बड़ा आ रहा है फॉर अल्फा लेस देन 5, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट अ फंक्शन। हमें पता है कि रेंज हमेशा सबसेट होना चाहिए कोडोमेन का, ठीक है ना, कभी भी कोडोमेन से बड़ा होना नहीं चाहिए, इसका मतलब अल्फा 5 से छोटा तो होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि इफ अल्फा इज लेस देन 5, ऐसे लिख लो, इफ अल्फा इज लेस देन 5 देन रेंज जो होगी फंक्शन की दैट इज ग्रेटर देन कोडोमेन, विच इज एब्सर्ड, विच इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट अ फंक्शन एक्चुअली, ठीक है ना, तो अल्फा 5 से छोटा तो होगा नहीं। अब 5 से बड़े की बात कर लेते हैं, अब मैंने बोला 5 से बड़ा तो लेट से अल्फा इधर ले लिया, अब देखो अगर अल्फा 5 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, मेरा जो ग्राफ है वो मेरा यहां से स्टार्ट होगा और इधर से स्टार्ट होगा, तो मेरी आउटपुट पे कुछ तो 7 से बड़ी मिलेगी, लेट से 9 मिल गई, तो ठीक है दैट इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा अगर 7 9 अल्फा 5 से बड़ा होगा तो ये पार्ट ऑफ ग्राफ होगा, विच फॉर दिस पार्ट ऑफ ग्राफ फंक्शन इज 1 1, समझ में आ रहा है। अच्छा अब मैंने बोला कि अल्फा की वैल्यू एग्जैक्टली 5 हो तो क्या होगा, तो भी चलेगा, क्योंकि तब क्या होगा हमारा, तब क्या होगा ये सिनेरियो होगा, अल्फा अगर मेरा यही अल्फा ले लिया तो यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा विच इज 1 1, बट इस केस में क्या होगा, ये फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा, अगर एग्जैक्टली अल्फा 5 होगा तब मेरा फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेंज क्या हो जाएगी 7 to infinity विच इज इक्वल टू कोडोमेन, तो ऐसे लिख लो इफ अल्फा ग्रेटर देन 5 फंक्शन इज 1 1, और इफ अल्फा इक्वल टू 5 फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, समझ में आया क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अल्फा 5 होगा तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा 7 to infinity विच इज नथिंग बट कोडोमेन, समझ में आया, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन 1 1 एंड मैनी 1, ठीक है चलो।